अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मिरवाइस खिलजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फिफ्थ जनरेशन वार आपके जहन में, जैसे ही मैं नाम लेता हूँ तो बहुत से लोगों के जहन में बहुत से सवाल पैदा हो जाते हैं। बहुत से लोग अपनी थ्योरियाँ पेश करते हैं कि फिफ्थ जनरेशन वार दरअसल ये है और ये है। नाज़रीन, इस पर हमारी टीम वर्क जारी है और इस पर मंडे टू ऑनवर्ड हम फिफ्थ जनरेशन वार पर बाकायदा एक 5 प्रोग्राम करेंगे, जिसमें हम पूरी डिटेल के साथ आप लोगों के सामने पेश करेंगे कि फिफ्थ जनरेशन वार पहले ही से कितनी जनरेशन वार हुई, फिफ्थ जनरेशन वार बाकी वार से क्यों डिफरेंट है और उसमें कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन से ममालिक हैं जो इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें और किस ममालिक को ऑलरेडी टारगेट कर चुके हैं और किन ममालिक को वो अभी टारगेट कर रहे हैं। नाज़रीन, थोड़ा सा मुख्तसर सा मैं फिफ्थ जनरेशन वार के बारे में आपको बताता चलूं, ताकि आपको जब मंडे ऑनवर्ड हम अपनी 5 जो किस्तें हैं उसकी प्रोग्राम्स की, उसमें आपको डिटेल तो बताएंगे, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपको कि फिफ्थ जनरेशन वार असल में क्या है, किन ममालिक में। मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूंगा आपको। नाज़रीन, आपने देखा कि लीबिया में क्या हुआ, इराक़ में क्या हुआ, उसके बाद शाम, यमन और फिर अफ़गानिस्तान, उसके साथ साथ दूसरे ममालिक में क्या होता रहा है, पाकिस्तान में भी कौन से ऐसे हालात हैं जो वो यहाँ पे नहीं आए। आपने देखा होगा 2013, 2014, 2015 के दरमियान बहुत से बम धमाके हुए, बहुत से लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, बहुत से लोग शहीद हुए, आम आवाम फौजी सारे मारे गए और तब भी जो मर रहे थे उसको भी बुरा भला कहा जा रहा था और जो मारने वाले थे उसको भी बुरा भला कहा जा रहा था। लोग कंफ्यूज हैं कि असल में हक पे कौन है और जो है वो जुल्म कौन कर रहा है। इस बार यही फिफ्थ जनरेशन वार है। मीडिया जो है वो फिफ्थ जनरेशन वार का वो कहता है कि बेसिक एक टूल, जो बेसिक टूल है वो जो फिफ्थ जनरेशन वार का वो टूल, जो मेन वेपन है, जिस तरह हर एक वॉर में एक स्पेशलाइज कोई बड़ा सा वेपन होता है जो हार और जीत में या हार को जीत में तब्दील कर देते हैं, ऐसे वेपन्स होते देते हैं। इस टाइम जो मीडिया है वो फिफ्थ जनरेशन वॉर के वो वेपन है जिससे लोग जीतते भी हैं और जिससे लोग हारते भी हैं। उन सब का आपने देखा होगा नाज़रीन के हमारे मुल्क में स्पेशली अंडर डेवलप्ड कंट्री जितनी भी हैं वहाँ पे बाकी चीज़ महंगी हो, जितनी महंगाई बढ़ती जाती है, मगर एक चीज़ में मुतवातर कमी आती जाती है, वो है आपका इंटरनेट, आपके लिए इंफॉर्मेशंस, आपके लिए जो है एंटरटेनमेंट और फिल्में और ऐसी चीज़ें जिन पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं वो आप तक मुफ्त फराहम करना। अब बात दरअसल ये है, सोचनी चाहिए हमें कि जहाँ पे वो हमें कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से हेल्प आउट करते हैं तो बग़ैर सूद के, बग़ैर उधार के वो देते नहीं, तो क्या वो इतने अच्छे हैं कि दुनिया की सारी फैसिलिटीज़ इतनी हमारे लिए इतने रिसर्च करके और सब कुछ करके और हमें प्रेजेंट करते हैं और वो भी मुफ्त में। आपने देखा होगा, अब आजकल आप दौर देख लें, आपके जो फ़ोन कॉल्स हैं वो कितनी सस्ती है। अगर आपने फिफ्थ जनरेशन वार देखने के एक अच्छी सी मिसाल में, जिसमें आपको बड़ी शॉर्टकट में अपने आपको समझाना है, समझना है, तो आप इस चीज़ के लिए, वो चीज़ें तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसानदेह हैं, वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में सस्ती हैं और वो चीज़ें जिनसे जान बची जा सकती हैं, जिनसे बेनिफिट हो सकता है, वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में महंगी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप नशे मतलब सिगरेट के हवाले से देखे जाएं, तो अगर आप किसी डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाएंगे तो ये इस पे वहाँ वो बहुत सा ज़्यादा चार्जेस लगाते हैं और बड़ी महंगाई है, मगर वही चीज़ आपके लिए सस्ती है। अगर आप कम्युनिकेशन के चले जाएँ तो कम्युनिकेशन में वहाँ पर महंगाई है, आपको कॉल्स में इतनी सस्ती नहीं मिलती, यहाँ पे तो तकरीबन मुफ्त ही मिलते हैं और हमारे जवान सारी रात बैठ के, रात को 9-10 बजे बैठ जाते हैं और सुबह तक फ़ोन पे कॉल पे एक दूसरे से बात करते हैं और यही चीज़ बनती है, बेहयाई की तरफ भी चले जाते हैं लोग और उसी चीज़ से जो है मुआशरा किसी और तरफ चला गया। इंटरनेट की इंफॉर्मेशन, फेक इंफॉर्मेशन, आपको गूगल जब आप कुछ सर्च करते हैं तो आप ये यकीन रखें कि गूगल वही चीज़ आपको सर्च करके इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट हैंड डिलीवर्ड करता है जो उसको बताया जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज है, ये वही इन्फॉर्मेशन आपको फ्रंट फुट पे रखते हैं जो वो चाहते हैं कि आप देखें, ये वही इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं कि जो चाहते हैं कि आप उसे सीखें या समझें। इसी चीज़ से आपका माइंड डाइवर्ट करते हैं और आपको वो इन्फॉर्मेशन जो वो चाहते हैं कि आप इसके बारे में पढ़ें तो वो आपके सामने रखा जाता है।
फॉर एग्जांपल आपने अगर देखा होगा कि सैमसंग का एक बहुत बड़ा जिक्र है सैमसंग कार्टून का, जिसमें कहते हैं कि वो जो पेशेंटगोई करते हैं वो सच करते हैं। इस पे हमारे जो मैंने कहा था पांच एक ब्लॉग्स में मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगा, ये भी आपके जहन पे एक वार है। आपको जहनी इतना मफलूज कर दिया जाता है कि आप ये समझते हैं कि वो सब कुछ देखा जाता है। आपने ये भी सुना होगा कि सेटेलाइट के थ्रू अमेरिका ज़मीन पर पड़ी एक सुई भी उसकी नज़र से ओझल नहीं है। यही वो चीज़ है जो आपको साइकोलॉजिकल इतना ही गिरा देती हैं कि आप पहले ही हार मान जाते हैं कि हम उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। इन्हीं झूठ के बिना पर आपको हम अपने ब्लॉग्स में आने वाले वीक में जितने ब्लॉग्स होंगे फिफ्थ जनरेशन वॉर पर, उसमें हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरह की जंगी जनून, मतलब इस तरह की चीज़ें अब बताई जाती हैं, कौन से ऐसे झूठ हैं जो आपको बताए जाते हैं ताकि आप जहनी मफलूज होकर रखें। आप पहले से अपना जहन बना के रखें कि हम कभी भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन जो झूठ में मबनी हो, आपको ऐसा टूल जिससे फ़िरकावारियत को तरजीह देना, मतलब उसको बूस्ट अप करना, वो चीज़ वो ख़ुद बढ़ाते हैं। यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ ऐसा बयान कर दें जो कि फ़िरकावारियत की बेस बन सकता है, अगर वो आप लिखते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत से कम टाइम में उसको बहुत से ज़्यादा व्यूज़ मिल जाते हैं और वो वायरल हो जाता है। इस तरह नहीं है कि सारे लोग वही देखते हैं, बल्कि ये जानबूझकर वो चीज़ें वायरल की जाती हैं ताकि उसका एक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो और उनके जो अहदाफ हैं वो पूरे हों। इसी तरह से मबनी में हम जितने भी हमारे फ्यूचर नेशन वॉर से लिंक हैं, और मेरे स्पेसिफिक जो मेरा फोकस रहेगा वो है झूठ पे मबनी खबरें, ऐसी अफवाहें, ऐसे इंफॉर्मेशन जो आपको डिलीवर्ड की जाती हैं, आपको बताई जाती हैं, जिस पे जिस तरह आप लीबिया है, लीबिया एक ऐसा मुल्क जब वहाँ पे, मैं ये नहीं कहता कि कज़ाफी डिक्टेटर था अच्छा था या बुरा था, मगर जो हालात अभी लीबिया के हैं उससे तो 100 गुना बेहतर तब के हालात हैं उनके। मगर उस हालात में जब सब कुछ उनको घर बैठे मिल रहा था, उनको कैसे ये चीज़ आया, ख्वाब आया कि ये सब कुछ जो है हो रहा, जुल्म हो रहा है, और कैसे ख्वाब आया कि सब कुछ गलत है। यही मीडिया, यही फिफ्थ जनरेशन वॉर है। इस पर हम मंडे ऑनवर्ड, मंडे से हम बाकायदा हमारे में वीलॉग में फिफ्थ जनरेशन वार पे बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने ब्लॉग के ज़रूर हम पहुंचा सकें और आपको वो इन्फॉर्मेशन दें जो बहुत से लोगों ने सुनी या समझी नहीं होगी, क्योंकि डिटेल्स नहीं है या ऐसे ही कि सुनी नहीं होगी। हम आपको बड़े ऐसे हकायक बताएँगे जिस हकायक में आप देख सकेंगे कि कैसे फिफ्थ जनरेशन वार का टूल मीडिया इस्तेमाल करके बग़ैर गोली चलाए, बग़ैर कोई इन्वेस्टमेंट किए, मतलब इन्वेस्टमेंट मीन्स तो उसमें तो होते हैं मगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर गए, वो अपने अहदाफ हासिल कर पा रहे हैं। और अभी तक कर क्या कुछ अपने अहदाफ, कौन से अहदाफ हासिल कर चुके हैं, किस किस जगह पे कौन कौन से लोगों को उन्होंने यूटिलाइज किया। मेरे इस वीलॉग में हो सकता है अब आने वाले में बहुत से लोग मुझसे मुखालफत रखें, मगर मेरा काम है कि जो मुझे लगे, जो मेरी इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक पहुंचा सकूं। तब तक कि आपने ख्याल रखे गया, नेक्स्ट वीक में फिफ्थ जनरेशन वॉर के साथ मैं आपके पेश खिदमत हाज़िर हूँगा। अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़।